गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है हम देखो डायमेंशनल एनालिसिस जो है हमने अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपकी पूरी प्रैक्टिस भी हो गई होगी डायमेंशनल एनालिसिस की। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैंने आपको हर बार बताया है कि आप क्वेरीज से मत डरिए। आपको जितनी भी डिफ़िकल्टीज है, आपको जितने भी कोई क्वेरीज आते हैं, आप मुझसे ज़रूर इंटरेक्ट करिए, ठीक है। इसके अलावा अब जो है हम नया जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब आपको एक्चुअल में ये पूरा जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ा है अलग अलग टर्म्स का, इसका यूज करने को मिलेगा, इसका आपको एप्लीकेशन पता चलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप एक बड़ा हेडर करिए और लिखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोस्तों, आप क्या करोगे, फिलहाल तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप पहले बस लिख लीजिए। आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, बस कुछ मिनट्स में आपको ये इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। बस आप एक स्टेटमेंट लिखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, ऐसा स्टार बना के लिखिए। ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन has same dimension, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट terms having same dimension can only be added comma subtracted or equated, है ना। क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन, जब मैं वर्ड इक्वेशन यूज करता हूं इसका सिंपल मीनिंग है कि कहीं तो भी इक्वल साइन आना चाहिए। There has to be somewhere an equal sign. Let us just consider कि force is equal to mass into acceleration. तो दोस्तों ये इक्वेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। और टर्म क्या होता है, टर्म मतलब ये F इज टर्म, दिस MA कंबाइनिंगली MA इज द अनदर टर्म। अगर कोई मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, मान के चलो F इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर यूज करता हूँ दोस्तों, तो F एक टर्म हुआ, UT दूसरा टर्म हुआ और हाफ ए टी स्क्वायर थर्ड टर्म हुआ, ठीक है। तो टर्म मतलब ये सिर्फ जिसके बीच में इक्वल साइन, प्लस साइन या माइनस साइन रहे। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन अगर रहता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन अगर रहता है तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी। देखो U इंटू टी इज टर्म, जस्ट दिस इज द सिंगल टर्म, टर्म नंबर टू बोला है हमने यहाँ पे, बट एक सिंगल टर्म मानी जाएगी यू इंटू टी। ए इंटू टी स्क्वायर को भी सिंगल टर्म, क्यों, क्योंकि ए और टी में मल्टीप्लीकेशन है। बट जब दो इसमें प्लस का साइन हो तो टर्म अलग अलग हो जाएगी, इक्वल का साइन हो तो टर्म अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए इस वाले इक्वेशन में तीन टर्म है, एस इक्वल साइन आया तो ये फिर सेकेंड टर्म, प्लस या माइनस साइन आया तो ये एक थर्ड टर्म। बट यू और टी मल्टीप्लीकेशन में है, दिस आर नॉट द सेपरेट टर्म्स, दिस इज अ सिंगल टर्म। मतलब अगर दो क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो वो एक ही टर्म होती है। चलो ये आपको ध्यान में आ गया टर्म का मतलब। और वो कहता है ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन, मतलब ये जो टर्म है टर्म नंबर वन टू या थ्री, इन सभी टर्म का डायमेंशन सेम होता है। मैं ये प्रूव करके दूंगा कि डायमेंशन सेम होता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। वी कैन ओनली ऐड दोज टर्म्स विच कैन बी एडेड सब्सट्रैक्टेड और इक्वेटेड, वी कैन ऐड सब्सट्रैक्ट और इक्वेट ओनली दोज टर्म्स विच विल हैव द सेम डायमेंशन।
देखो ये जो अगर आप रियल लाइफ में सोचोगे ना, ये बड़ा आसान है दोस्तों समझने के लिए, बहुत ही इजी है। देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं 2 किलो शक्कर लाने 3 किलोमीटर चल के गया। 2 किलो शक्कर मतलब 2 इज द किलोग्राम शुगर लिया और 3 इज द किलोमीटर्स। तो अब मैं इन 2 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं। 2 किलो शक्कर लाने 3 किलोमीटर गया, इसके लिए मैं 5 किलोमीटर का खर्चा किया, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये तो किलोग्राम है और ये तो किलोमीटर है, इसका डायमेंशन अलग है और इसका डायमेंशन अलग है। ये बेटा मास है और ये तो लेंथ है। मास और लेंथ इन दो दो टर्म्स को आप जोड़ नहीं सकते, आप उसको ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट। देखो और एक एग्जांपल, मैं सिंपली कहता हूं मैं क्या कर रहा हूं, एक 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस चला, तो क्या मैंने कैलकुलेशन ये 1 और 5 मिलके 6 का करना चाहिए? कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 1 इज एन आवर, आवर मतलब टाइम है, 5 इज एन किलोमीटर मतलब ही वो डिस्टेंस है। तो आप 1 आवर को 5 किलोमीटर में ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना उसको इक्वल लिख सकते हैं हम किसी तरीके से। इतना सादा सरल कॉन्सेप्ट है कि जब तक उसका डायमेंशन सेम नहीं होता। देखो 1 आवर का डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? टाइम होगा, आवर मतलब टाइम, और किलोमीटर का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। क्योंकि टाइम और लेंथ दो अलग अलग डायमेंशन है, हम इन दो टर्म्स को ऐड करना या सब्स्ट्रैक्ट करना ये प्रोसीजर हम नहीं कर पाएंगे। तो एकदम सादा सरल बोलते हैं मक्खन जैसा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जब तक दो टर्म्स की डायमेंशन सेम ना हो, दूसरे भाषा में उसकी यूनिट सेम ना हो, आप उन दो टर्म्स को ना जोड़ोगे ना सब्स्ट्रैक्ट करोगे ना इक्वेट करोगे। इक्वल साइन भी नहीं लिखेंगे ना प्लस साइन लिखेंगे ना माइनस साइन लिखेंगे। हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को जोड़ सकते हैं या सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो, जिनकी यूनिट सेम हो, नहीं तो हम ये प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, आपको बहुत ही जैसे ही मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा आपको बड़ा मजा आएगा और बड़ा अमेजिंग लगेगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर मतलब आप उस कॉन्सेप्ट के आर पार देख पाओगे, पूरा थोड़ा देख पाओगे, इतना क्लियर रहेगा वो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल उसमें कोई धूल नहीं बचेगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? एग्जाम्पल कैसे? ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैज द सेम यूनिट बोलता है या सेम डायमेंशन बोलता है। लेट अस कंसिडर दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एग्जाम्पल ले रहा हूं होमोजेनिटी का, बस समझने के लिए, बस एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। इसमें कौन सी टर्म है ये सबसे पहले मार्क कर लो दोस्तों। अरे यार बहुत इजी है ये, है ना सर? इक्वल साइन के इधर एक सिंगल टर्म दिखती है, बहुत बढ़िया, इसको टर्म नंबर 1 नाम दे दिया हमने। इक्वल के इस तरफ यू इन टू टी एक दूसरी टर्म दिखती है, अरे सर ये तो बड़ा आसान है, इसको हम टर्म नंबर 2 नाम देते हैं। और ये हाफ ए टी स्क्वायर, ये देखो बीच में प्लस आ गया, माइनस होता तो भी चलता। तो इस पूरे इसको हम टर्म नंबर 3 नाम देते हैं। देखिए ये एस को दिया, यू टी को और हाफ ए टी स्क्वायर को, ये है आपकी टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 3। मुझे बताइए सिर्फ एस का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म की डायमेंशन क्या है? तो मैं यहां पे लिखता हूं टर्म 1 की डायमेंशन क्या है दोस्तों, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये एस। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? लेंथ का पावर 1, एल रेज टू पावर 1, या एल लिख दो, सिर्फ 1 ना लिखे तो भी वो चल जाएगा, इसकी डायमेंशन है एल। ऑल राइट, चलो हम देखते हैं कि टर्म नंबर 2 की डायमेंशन हम कैसे निकालें। टर्म नंबर 2 क्या है दोस्तों? यह है यू इंटू टी की डायमेंशन। ध्यान दो, ये डायमेंशन ऑफ यू हो जाएगा वेलोसिटी,
और टाइम की डायमेंशन, टाइम तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका कैपिटल टी, बट वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बेटा? लेंथ अपॉन टाइम क्यों होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ है और अपॉन टाइम इनटू मल्टीप्लाइड बाय, ये हुआ आपका टाइम। अब ये आप ये यहाँ से टाइम और यहाँ से ये वाला फैक्टर काट दो। आप ध्यान दीजिए कि टर्म नंबर वन का डायमेंशन था सिर्फ लेंथ, टर्म नंबर टू का डायमेंशन है सिर्फ और सिर्फ लेंथ। तो टर्म नंबर वन और टर्म नंबर टू का डायमेंशन सेम है, ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं, टर्म नंबर थ्री क्या है हमारे पास? हाफ एटी स्क्वायर। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, हाफ का कोई मतलब नहीं होता। हाफ जो है, वन बाई टू जो है, वो एक नंबर है। उसको ना किलोग्राम लिखते, ना मास लिखते, ना कुछ लेंथ, ना डिस्टेंस, ना टाइम, ना एम्पियर, कुछ नहीं है। वो हाफ तो एक नंबर है, तो इसको मैं निग्लेक्ट करता हूँ। आई डोंट हैव टू राइट हाफ। और अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन और टी स्क्वायर की डायमेंशन। दोस्तों एक्सेलरेशन की डायमेंशन कल ही हमने निकाली, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ऐसे ना ध्यान में आए तो आप एक्सेलरेशन को देखिए, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखिए, टाइम इज कैपिटल टी। इसको आप वन अपॉन टाइम को अलग कर लीजिए, वेलोसिटी क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा एल बाय टी स्क्वायर। देखिए एल बाय टी स्क्वायर, एक तो याद हो जाना चाहिए बार बार लिख के, या नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एल अपॉन टी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। फिर एक बार ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कैंसल्ड, और आपका डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर जो थर्ड टर्म थी वो क्या मिला आपको? सिर्फ अकेला एल, है ना। देयरफॉर इक्वेशन वन टू और थ्री, इन तीनों से क्या प्रूव हुआ कि पूरे इक्वेशन में हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है, या फिर दूसरे तरीके से हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। इसका, इसका और इसका डायमेंशन सेम था तो उसको इक्वेट और ऐड किया, है कि नहीं। देयरफॉर फ्रॉम, इसको चलो इक्वेशन वन टू और थ्री करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन कॉमा टू एंड थ्री हम बोलेंगे ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन। हर एक टर्म की जो डायमेंशन है दोस्तों वो क्या है? सेम है। और हमने एक एग्जाम्पल लेके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव कर दिया है, ठीक है। मैं सेकंड के लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। और अब हम एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम इसको मिटा रहे हैं। होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हो एग्जाम्पल के बाद। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो बिल्कुल डरिएगा मत, मैं हूँ आपके साथ हर छोटे चीज़ को सॉल्व करने के लिए। हर जो भी छोटी से छोटी डिफिकल्टी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, जस्ट आस्क मी। देन एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज क्या क्या है, हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। दोस्तों तीन यूजेस हैं, हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहला यूज आज खत्म कर लेंगे, दूसरा यूज हम कल के क्लास में, और तीसरा यूज जो है हम परसों के क्लास में। एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो चलो पहला देखते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक, लिखेंगे मेरे साथ टू चेक करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। मतलब जो कोई फॉर्मूला हमारे पास है वो करेक्ट है या नहीं है,
ये चेक करने के लिए, वो सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होगा, हमें होमोजेनिटी एप्लीकेशन को आप प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला हो वो सही है या नहीं, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो हमारा प्रिंसिपल कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कि वो इक्वेशन के हर टर्म की डायमेंशन सेम हो। हम चेक कर लेंगे गिवन इक्वेशन का, क्या हर टर्म की डायमेंशन सेम है। अगर वो सेम है तो हम बोलेंगे बेटा फॉर्मूला करेक्ट है, अगर इनकरेक्ट होता तो डायमेंशन हर एक टर्म की सही सेम नहीं होती। तो कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, चलो मैं ले रहा हूँ कि एग्जाम्पल, हमें चेक करना है करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। चलो ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सी टर्म्स आपको दिखती है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इस इक्वेशन में दिस इज योर टर्म नंबर वन v स्क्वायर, टर्म नंबर टू एंड दिस इज टर्म नंबर थ्री, ठीक है ना। ऐसा नाउ देखिए, टर्म वन चेक करिए, टर्म वन क्या है, v स्क्वायर। दोस्तों मुझे बताइए, वेलोसिटी का डायमेंशन और उसका स्क्वायर अगर मुझे चाहिए है ना, तो मैं क्या करूं, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देता हूं, लेंथ अपॉन टाइम और उसका स्क्वायर, एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, टर्म वन है, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन वन दे के रख लीजिए, ठीक है भाई। टर्म टू क्या देखते हैं, टर्म टू क्या है, यू स्क्वायर। देखो वेलोसिटी क्या होती है इस इक्वेशन में, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई यू स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या होगा, दोनों ही तो वेलोसिटी है, तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम लेते हैं टर्म थ्री को, टर्म थ्री क्या है दोस्तों, टू ए एस, टू को लेने की जरूरत नहीं है, टू एक कांस्टेंट है, तो मैं लूंगा एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, और इसीलिए दिस इज एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम जानते हैं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, याद हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो साइड में रफ में करके देख लीजिए कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये s क्या होगा दोस्तों, लेंथ। तो देखिए क्यों ना हम इसको लिखें, l का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर, और ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ a इंटू s, ये हुआ आपका इक्वेशन थ्री। देयरफॉर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री क्या बोलेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस इज करेक्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ये हमें यहां से पता चला, क्योंकि हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो यहां पर सेम है, इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है। ये कितना आसान होते चला है सब चीज, कितनी इजी इजी बातें हैं, बस आपको डायमेंशनल एनालिसिस, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क डन का, पावर का, एनर्जी का, ये सब आपको करते आना चाहिए। अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक काफी आसान है। चलो ठीक है, यहां से भी हम इसको अभी लिख के हटा देते हैं, और हम थर्ड इक्वेशन का एक एग्जांपल लेंगे, तो चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला वाला, हटा देते हैं इसको, हटा दूं। एक और एग्जांपल इसी से काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही लेते हैं, ताकि आपको ना ये इक्वेशंस ऑलरेडी याद है, और क्योंकि ये इक्वेशंस याद है तो समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। आप काइनेमेटिकल इक्वेशन से बहुत यूज्ड हो, बिल्कुल आप इनको जानते हो, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, और वो एग्जांपल क्या है, दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सोल्यूशन दोस्तों मुझे बताइए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जब हम चलें ये टर्म नंबर वन, ये टर्म नंबर टू, ये टर्म नंबर थ्री, ओके। तो
बस वही प्रोसीजर टर्म वन पे जाइए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। ओके, टर्म नंबर टू पे चलिए। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी है लेंथ अपॉन टाइम। और अगर आप टर्म नंबर थ्री देखोगे तो और मजा आएगा, दिस इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम का डायमेंशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है आप दोस्तों? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर है ना। कई बार अगर इसको कर चुके हैं, और ये टाइम एक बार, और ये स्क्वायर में से एक टर्म कट जाएगी, और आपको डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इस प्रोडक्ट का डायमेंशन मिलेगा लेंथ अपॉन टाइम। एंड देयरफॉर गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। ऐसा हम यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करके खत्म करेंगे। दिस इज योर चेक टू चेक आउट द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला वाला किस्सा है। अगर आप चाहो तो कुछ होमवर्क के टर्म में ले सकते हैं। होमवर्क क्या है? प्रूफ गिवन फॉर्मूलाज आर करेक्ट, फॉर्मूली आर करेक्ट। हमको ये प्रूफ करना है कि नीचे दिए हुए फॉर्मूले सही है। क्या है कि हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। दूसरा हम लिखते हैं दैट मोमेंटम, आपने पढ़ा है मोमेंटम पी एम इनटू वी। यार ये आप शायद नहीं कर पाओगे, या इसका आपको जजमेंट नहीं आएगा कि मोमेंटम को हम उसमें कैसे डील करें। ठीक है, आप बस यही एक कर लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइएगा, मुझे सेंड करिएगा, दैट्स इट। चलो दोस्तों, आज का क्लास छोटा हुआ पर बहुत यूजफुल हुआ है, और आपको होपफुली सब समझ गया है। मैं यहाँ पे हमारी क्लास को रोक रहा हूँ।